डायरेक्ट असेसमेंट सो वैन वी वॉन्ट टू बी चैकर द चाइल्ड हैज द्लैप्टोमिया और नॉट वी विल गो टू वर्ड्स द डायरेक्ट असेसमेंट डायरेक्ट असेसमेंट का क्या मतलब है कि ऐसे टेस्ट जो जिनकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो नोन हो और जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हों ठीक है सो देर आर डिफरेंट टेस्ट यू कैन यूज विदिव रेटिंग स्केल एंडिंग स्केल तो बैरेट इम्पल्सिव रेटिंग स्केल जो है ये बेसिकली आपको इम्पल्सिवनेस के बारे में बताएगा और जो सेंसेशन सीकिंग स्केल है ये आपको सेंसेशन सीकिंग के बारे में बताएगा कि किसी शख्स के अंदर वो कितना है अब बेसिकली uh, uh, जब हम ये कहते हैं कि क्लैप्टोमीनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि इजिस्टेबल इम्पल्स की वजह से डेवलप होता है तो डेफिनेटली इम्पल्सिविटी हमें हेल्प करेगी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि वो बच्चा कितना इम्पल्सिव है और कितना इम्पल्सिवली वो मूव करेगा सेंसेशन सीकिंग स्केल जो है जैसा हम ये कहते हैं कि जिस वक़्त वो वो चीज़ आ, को चुरा रहा होता है या स्टील कर रहा होता है या थफ्ट के प्रोसेस में होता है तो उस वक्त वो प्लेयर फील कर रहा होता है तो सेंसेशन सीकिंग स्केल जो है वो हमें इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फर्स्ट वी विल गो टूवर्ड्स द बार्ट इम्पल्सिव स्केल इधर आप देखेंगे डायरेक्ट असेसमेंट के अंदर अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जितने भी स्केल्स मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रही हूँ दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू यूज़ फॉर योर पर्सनल क्लिनिकल यूज़ आप इसको नहीं कर सकते ठीक है ये कॉपी मटेरियल है और इसको यूज़ करने के लिए आपको प्रॉपर uh, पहले ऑथर से परमिशन uh, लेनी होगी और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन एकेडमिक के लिए डेफिनेटली जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करी हूँ वी कैन यूज़ इन दैट वे बट नॉट के आप इसको ले जाके किसी बच्चे के अंदर ऊपर अप्लाई करें इम्पल्सिविटी चेक uh, करने के लिए ठीक है तो इस तरह हम देखेंगे इसकी जो डायरेक्शंस हैं उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि इसमें हमें क्या पता चलेगा कि इनके जो बच्चा है जो ये टेस्ट कर रहा है या जो डॉलस है जो ये टेस्ट कर रहा है वो किस तरह एक्ट और थिंक करेगा ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको बताएंगे कि आपने वन से लेकर फोर तक इसको मार्क करना है वन का मतलब है रियली और नेवर टू का मतलब है ओकेजनली थ्री का मतलब है ऑफन फोर का मतलब है ऑलमोस्ट ऑलवेज और ऑलवेज तो आपने आ, उसे कहना है कि उसने हर स्टेटमेंट को पढ़ना है और हर स्टेटमेंट के बाद आगे जो नंबरिंग की हुई है उसको सर्कल कर देना है फॉर एग्जाम्पल आई प्लान टास्क केयरफुली ओके okay. मैं कहती हूँ आई प्लान टास्क केयरफुली फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहता है ऑलवेज तो so, वो क्या करेगा फोर के ऊपर मार्क कर देगा आई डू थिंग्स विदाउट थिंकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है रियली और नेवर आई मेक अप माई माइंड क्विकली फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है ऑफन ठीक है देन आई एम सेल्फ कंट्रोल्ड आइटम नंबर एट फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है रियली और नेवर ठीक है तो इस तरह वो जो भी आइटम जिसको भी पढ़ेगा और उधर जहाँ पे भी वो मार्क करना चाहेगा वो उसे मार्क कर देगा एंड में आपके पास टोटल स्कोर आ जाएगा और टोटल स्कोर को आपने देखना है कि वो कहाँ पर कट uh, ऑफ से ऊपर लाइक है नीचे लाइक है उसके इम्पल्सिविटी का लेवल क्या है इसी तरह जो सेकंड स्केल है दैट इज़ अबाउट सेंसेशन सीकिंग ये सनारीो बेस्ड है ठीक है अब इसमें से सिनेरियो में से उसने पढ़ के इंडिकेट करना है कि वो कौन सी सिचुएशन को प्रेफर कर रहा है फॉर एग्जांपल वो कह रहा है प्लीज़ इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो यू वुड प्रेफ़र नंबर वन आई लाइक वाइल्ड अन अनइनहिबिटेड पार्टीज आई प्रेफर क्वाइट पार्टीज़ विद गुड कन्वर्सेशन ठीक है अब उसने ये बताना है कि वो इन दोनों में से किससे प्रेफर करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल वो फर्स्ट वाले को प्रेफर करेगा तो उसको अंडरलाइन कर देगा ठीक है या उसे टिक कर सकता है देन प्लीज़ इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो यू वुड प्रेफ़र देयर आर सम मूवीज़ आई एंजॉय सींग अ सेकंड और इवन अ थर्ड टाइम आई कैन नॉट स्टैंड वाचिंग अ मूवी दैट आई हैव सीन बिफोर ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल वो इसको इसके ऊपर प्रेफरेंस देना चाहता है वो इसको अंडरलाइन कर देगा ठीक है इसी तरह डिफरेंट सिनारी हैं जिस तरह यहाँ पर वो कह रहा है आई लाइक टू ट्राई न्यू फूड्स दैट आई हैव नेवर टेस्टेड बिफोर आई ऑर्डर द डिशेज विद विच आई एम फेमिलियर सो एज टू अवॉइड डिसअपॉइंटेड एंड अनप्लाजनेस फॉर एग्जाम्पल वो इसको अंडरलाइन uh, कर देगा सो दैट्स मीन के ऐसे बच्चे जिनके अंदर सेंसेशन सीकिंग का एलिमेंट होगा वो ऐसे uh, आइटम्स को अंडरलाइन करेंगे जिनसे उनको सेंसेशन मिले नोवालिटी मिले एंड दे आर कीन टू एक्सप्लोर दिंग्स लेकिन जिनके अंदर सेंसेशन सीकिंग से का एलिमेंट नहीं होगा डेफिनेटली वो ऐसी चीज़ों को प्रेफर करेंगे जो कूल हों और जो उन्होंने पहले से यूज़ की गई यूज़ की हों और वो उनको प्रेफ्रेंस देते हों ठीक है अब ये जो तकरीब आइटम्स हैं इसके अगर आप देखें तो दीज आर फोर्टी आइटम्स तो आप इन फोर्टी आइटम्स को वन बाई वन क्लाइंट के ऊपर एडमिनिस्टर करेंगे उससे पूछेंगे और फिर उसके बाद आपको आइडिया होगा कि उसके सेंसेशन सीकिंग किस हद तक उस बच्चे के अंदर है और आ, किस हद तक नहीं है ठीक uh, है जिस तरह इसकी लास्ट लाइन है स्काइंग डाउन अ हाई स्लोप इज अ गुड वे टू एंड अप ऑन क्रचे आई थिंक आई वुड ऑफ स्काइंग वेरी फास्ट डाउन स्लोप अच्छा इन जो स्केल्स हैं इनमें एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर नॉट कल्चरली अप्रोप्रिएट तो अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन इनमें लगें कि जो कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप उसको अडाप्ट कर सकते हैं अपने कल्चर के रेफरेंस में ठीक है या आप उन आइटम्स को इग्नोर कर सकते हैं मोस्ट लाइकली ज़्यादा प्रेफरेबल ये होता है कि आप उनको अडाप्ट कर लें कल्चरली यानी वो एक्टिविटीज डाल लें जो कि आपके कल्चर में होती हैं और अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इन स्केल्स को किसी ने उर्दू में ट्रांसलेट करके कल्चरली अडाप्ट किया हुआ है और उसकी रिलायबिलिटी को जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है इफ़ यू फाइंड दो देन दैन जूज दोज ओके दैट्स ऑल अबाउट द डायरेक्ट असेसमेंट थैंक यू